हेलो एवरीवन, आज हम लोग ये देखेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। किसी भी गिवन नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे ये जानना हम लोग सीखेंगे। वो फैक्टर्स में कितने ऑड फैक्टर्स हैं, कितने इवन फैक्टर्स हैं, कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, कितने ऐसे फैक्टर्स हैं परफेक्ट क्यूब हैं, या फिर ये निकालना सीख लेंगे। और भी बहुत सारे हैं जो आप क्वेश्चन उस पर बना सकते हैं। पहले ये इसे बनाने में बहुत बहुत 5 से 10 सेकंड लगते हैं। तो इस टाइप का प्रॉब्लम हम कैसे बनाएंगे? सपोज कीजिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है, सपोज कीजिए आपके पास कोई फैक्टर है, सपोज कीजिए आपके पास कोई नंबर है 36, तो इसको आप डिवाइड करते हैं तो 2 से, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 36 के। सपोज कीजिए आपको फैक्टर्स, तो 36 के फैक्टर्स हैं क्या क्या, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4, 6, 9, फिर 36। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 7 है आपके। अब देखिए इसमें इवन फैक्टर्स क्या हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 36 है। ऑड फैक्टर्स क्या हैं, 1 है, फिर 3 है, फिर 9 है। तो आपका इवन फैक्टर्स हैं आपके कितने, 4। ऑड फैक्टर्स कितने हैं, 3। सिमिलरली आपका परफेक्ट स्क्वायर कितना है, परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर आपका एक बस एक है जो कि 2 है, 9 और 36 तो 2 है, तो टोटल 9 फैक्टर्स हैं। तो ये तो आपके पास बहुत छोटा सा नंबर है, तो आप आराम से देख के निकाल दे रहे हैं। लेकिन जब आपके पास बहुत बड़ा सा नंबर होगा तो आप उसको कैसे निकालेंगे, ये जानने का आज हम लोग तरीका सीखेंगे। तो फिर देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। सपोज कि आपको 10, ये क्वेश्चन है आपके पास 10800, तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव रूल समझना पड़ेगा। ये क्या है, ये बस यहाँ पे नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में आपको काम देंगे। जैसे आपको परमुटेशन में बहुत सारे काम देंगे, बहुत सारे आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लगाते रहेंगे तब आपको काम देंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव रूल कब वैलिड है, कब आप कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए आप, मैं आपको बताता हूँ, सपोज कीजिए आप एक जगह, ये आपका एक प्लेस है, ये सपोज कीजिए दूसरा प्लेस है, ये सपोज कीजिए आपके पास तीसरा प्लेस है। आप जो है इस प्लेस से इस प्लेस पे जाना चाहते हैं और इससे फिर इस पे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप कितने नंबर ऑफ वेज से जा सकते हैं, तो आपके पास एक ही तरीका है जाने का। अब देखिए अब फिर इसको आप और एक्स्ट्रा वेज जोड़ दीजिए, तो आप एक और ये दो तरीके से जा सकते हैं। अब एक और जोड़ दीजिए तो आपके पास टोटल 3 वेज हैं, 1, 2, 3। अब फिर देखिए ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, तो आपके पास टोटल कितने वेज हैं, तो टोटल 9 वेज है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, फिर 7, 8, 9, तो टोटल 9 वेज है। तो आप ऐसे, अगर आपके पास ये तो छोटा छोटा है तो आप ऐसे गिन ले रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे स्टेप के आ जाए, आपके और भी नंबर ऑफ वेज बढ़ जाएं, सपोज कीजिए ये हैं, ये हैं, आपके पास नंबर ऑफ वेज बढ़ते रहे, फिर आप ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इसको ए से बी जाने का तरीका कितना है टोटल, तो ये जाने का तरीका है। तो सबसे पहले देखिए, तो इस टाइप का देखिए, आप ए से बी अगर जाएंगे तो इस रास्ते से जाएंगे तो श्योर आपको ये भी रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। तो जब भी कोई काम एक साथ हो, अगर आप एक साथ एक व्यू को कवर कर रहे हैं एट ए सेम टाइम, दूसरा भी कवर कर रहे हैं एट ए सेम टाइम, तीसरा भी कवर कर रहे हैं, जब एक साथ काम हो रहा हो तो हम मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेटिव वे यूज करते हैं। सब इसके पास आप टोटल वेज कितने हैं, आपके पास 4 वेज हैं, इसके पास कितने 3 वेज हैं, इसके पास कितने 5 वेज हैं। तो काम चूंकि एक एक साथ हो रहा है, सारा का सारा काम एक साथ हो रहा है, इसीलिए जब एक साथ हो तो आप मल्टीप्लीकेटिव यूज करेंगे, 5 to 15, 4 to 60, तो और आपके पास 60 वेज हैं ए से बी जाने के। इस टाइप का तरीका तो यही है आपका मल्टीप्लीकेटिव वे। तो आप इस परमुटेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बट इसका यूज हम लोग फैक्टर्स में करते हैं। तो इसको सॉल्व करने में आप सबसे पहले ये देख लीजिए हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं बेसिक, इसके बाद हम लोग ट्रिक से 10 सेकंड के अंदर उसको सॉल्व कर देंगे, कितने फैक्टर्स हैं, इवन है, ऑड है। तो ये आपके कौन से तरीके हो गए, ये आपका मल्टीप्लीकेटिव वे हो गया, जो आप मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो ये मल्टीप्लीकेशन का एक रूल है कि जब भी आप काम एक साथ करते हैं, एक काम किए फिर दूसरा काम उसी के अकॉर्डिंग करना है, इसका मतलब एक साथ काम करने का मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। अब सपोज कीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं, अब देखिए आपको बी यहाँ है और यहाँ सी है। अब देखिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आप इधर से इधर भेजें 3, इधर से इधर भेजें 2,
अब देखिए आपको यहाँ से जाना है, कहीं और जाना है, चाहे बी पे जाना है चाहे सी पे जाना है। तो इस प्रकार देखिए, आप इधर से बी जाएंगे तो आपको बी जाना है तो आपको सी को नहीं ट्रेवल करना है, तो ये सेपरेटली काम हो रहा है। आप थ्री वे से इधर जा रहे हैं और ये ए से आप सी जा रहे हैं, तो ये भी सेपरेटली काम कर रहे हैं। जब ये इधर जा रहे हैं तो उधर जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो इधर आपका टोटल दो तरीके हैं। तो टोटल आप ए से निकालने का तरीका कितना, 3 + 2 = 5। तो ये आ गया आपका एडिटिव रूल, यहाँ पे आप एडिशन कर दिए, एडिटिव रूल है इसी को कहते हैं। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेटिव रूल। तो ये देखिए ओवरऑल आपको ये जानना है कि जब भी आप काम एक साथ जब कर रहे हो तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। और जब भी आप काम अलग अलग कर रहे हो, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, सेपरेटली काम कर रहे हो तो आपको ऐड करना है। ये चीज़ आपको बहुत सारे क्वेश्चन परम्यूटेशन कैसे ही लग जाएंगे अगर ये रूल आपको मालूम है। तो यही रूल हम लोग यूज़ करेंगे फैक्टर्स निकालने में। तो कैसे करेंगे वो पहले देख लीजिए। तो देखिए फैक्टर्स का मतलब ये है, उसको सबसे पहले प्राइम में आप कन्वर्ट कीजिए। किसी भी नंबर का आपको अगर फैक्टर्स निकालने हैं तो सबसे बेहतर है कि उसको आप प्राइम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सपोज कीजिए आपके पास कोई नंबर है 10800, ये आपका नंबर है, इसके आप टोटल फैक्टर्स निकालना चाहते हैं तो आप इसका फैक्टर्स निकाल सकते हैं 5, 2, 2, 4 और 3 to the power 3। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसका फैक्टर्स आप आराम से निकाल सकते हैं 10800, आप 108 को इधर कीजिए, फिर 10 × 10, इसको आप 5 × 2 5 × 2 108, इसको आप 12 को 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 2 × 5 × 2, तो 5 का पावर 2 3 का पावर 3 और 2 का पावर 4। देखिए इसको आराम से आप फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप जैसे भी रूल से करें ये आपका आ जाएगा। अब देखिए इसका फैक्टर्स हमको निकालने हैं कितने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपको निकालने हैं तो देखिए सबसे पहले कैसे निकालेंगे। अगर आप फैक्टर्स निकालने हैं तो देखिए एक तो आपका 5 का पावर 0, ये कितना होता है 1, तो एक भी इसका फैक्टर होगा इसका। अब देखिए 5 का पावर 1, ये भी इसका 5 भी इसका फैक्टर होगा। 5 का पावर 2, ये भी इसका फैक्टर होगा। सिमिलरली देखिए तो 5 का काम खत्म, ये एक सेपरेट हो गया, एक सेपरेट एंटिटी इधर हो गया। अब देखिए 2 का पावर में देखिए 2 के लिए क्या करते हैं, 2 का पावर 0 ये इंक्लूड होगा, ये भी इसका फैक्टर है, 2 का पावर 0 1 वो एक फैक्टर है। अब देखिए 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3 2 का पावर 4, ये सारे इसके क्या है, फैक्टर्स है 2 का पावर 4 के। अब 3 के लिए एंटिटी देखिए 3 का पावर 0 फैक्टर है, 3 का पावर 1 फैक्टर है, 3 का पावर 2 फैक्टर है, 3 का पावर 3 फैक्टर है। तो देखिए इसके फैक्टर्स मुझे निकालने हैं, तो ये सब तो आपके फैक्टर हैं। अब देखिए ये 5 वाला एक साथ है, एक साथ में करना क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो इसके पास कितने वेज हैं, तो 1, 2, 3 वेज, तो इसका सेपरेट है 1 एक वेज, ये है दूसरा ये है, इसको फैक्टर बनाने का तरीका क्या है, ये 5 का पावर 0 एक है दूसरा ये है, तो टोटल आपके पास तरीका कितना है 3 1 2 3 वेज। अच्छा सेपरेट है तो आप उसको ऐड कर दीजिए। अब इधर देखिए इधर कितने तरीके हैं टोटल 5, और इधर कितने तरीके हैं टोटल 4। तो देखिए ये, और चूंकि हम फैक्टर्स निकालना है और एक साथ निकालना है तो एक साथ के साथ हम लोग क्या करते हैं, तो गुणा करते हैं। तो देखिए आपका जो आंसर आएगा 3 × 5 × 4, तो हमारा टोटल फैक्टर्स 60। अब देखिए एक इसको बनाने का ट्रिक है, ट्रिक क्या है तो वो देखिए, ट्रिक देखिए चीजें ये है कि क्वेश्चन सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स के नहीं पूछे जाते, आपको कुछ उसमें ऐड कर देगा, ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, क्यूबिक, कभी कभी डिविजिबल और 2 और 3 सारा, इसलिए आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सब नहीं जानेंगे तो आप बस एक नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो ट्रिक क्या है देखिए, सपोज कीजिए कोई भी नंबर n, इसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं प्राइम के टर्म में। देखिए 5, 2, 3 एक प्राइम है, प्राइम क्या है 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, प्राइम वो नंबर होता है 2 से स्टार्ट होता है, कभी 1 नहीं होता प्राइम, जिसके दो फैक्टर होते हैं, एटलीस्ट दो फैक्टर, वो और वो 1 और वो इटसेल्फ, दो ही फैक्टर होना चाहिए, स्टार्ट होता है 2 से 2, 3, 5, तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ये कभी भी हमेशा प्राइम के फॉर्म में ही इसको एक्सप्रेस कीजिए, कभी भी ऐसा नहीं करना 4 का पावर 2, जो कि 4 प्राइम नहीं है, तो वो आपका क्वेश्चन गलती हो जाएगा। तो सपोज इफ वी एक्सप्रेस ए नंबर n इन टर्म्स ऑफ प्राइम p1 p2 p3 to the power alpha 1 alpha 2 alpha 3, अगर सपोज कि और भी प्राइम आपके आ गए p4 to the power alpha 4, देन द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट कैन बी ऑब्टेन, नंबर ऑफ फैक्टर्स
that can be obtained from this number is equal to alpha 1 plus 1, alpha 2 plus 1, alpha 3 plus 1, alpha 4 plus 1. It means आप ऐसे करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं. तो देखिए अगर आप इसका निकालना चाहते हैं तो अगर ये चीजें समझ में आपको नहीं आ रहा तो छोटे छोटे एग्जाम में बस नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछते हैं तो आप इसको ट्रिक से एक ही बार में बना सकते थे. एक सेकंड में देखिए 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 और फिर 3 प्लस 1. तो 3 इंटू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 60 फैक्टर्स. तो देखिए आपका 60 फैक्टर्स आ गए. तो ये आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना ट्रिक में तो एक सेकंड में आप निकाल सकते हैं. इवन एग्जाम में जनरली यही पूछता है नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं. तो प्राइम के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए, पावर जितना है उसमें एक बटा के उसको एक साथ गुणा कर दीजिए. तो ट्रिक से बनाना है. लेकिन आपको ये चीज समझ में आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगा तो कुछ क्वेश्चन में ट्विस्टिंग आएगा तो आपको श्योर है कि नहीं बनेगा क्योंकि वो ट्रिक एक ही क्वेश्चन में आपका काम करेगा. अब देखिए इसमें आपको पूछा है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे. तो उसको जानने का तरीका देखिए ये ट्रिक आप याद कर लीजिए क्योंकि अगर आप कोई छोटा मोटा एग्जाम है तो आपको बस यही पूछते हैं इवन ऑड फैक्टर्स नहीं पूछते. लेकिन अगर आप अच्छे लेवल पर जाते हैं तो आपको वो भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है. जनरली फैक्टर्स ही पूछते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे तो वो तो आपको मालूम है. अब प्राइम के टर्म में एक्सप्रेस करो उसका जितना पावर है उसमें एक ऐड करके सारे के सारे को गुणा कर दो तो आप आराम से निकाल सकते हैं. अब देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने निकालेंगे तो आपको पहले से मालूम है टोटल फैक्टर कितने हैं आपके पास 60. आपको निकालने के हैं इवन फैक्टर्स. इवन फैक्टर्स तो देखिए जो अगर आप ट्रिक यूज कर रहे हैं तो ट्रिक पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे श्योर है कि नहीं बनेगा. तो देखिए इवन फैक्टर्स कितने होंगे वो आपको निकालना है. तो इवन फैक्टर से बेहतर है आप ऑड फैक्टर निकाल लीजिए. टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हैं, ऑड फैक्टर्स. इसके बाद टोटल फैक्टर में से आप ऑड फैक्टर निकालेंगे तो आपका इवन फैक्टर निकल जाएगा. तो देखिए ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए क्या होगा, देखिए ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए 5 टू द पावर 0 आप लेंगे तो 5 टू द पावर 0 कितना होता है 1 और 1 क्या है इटसेल्फ 1 इज इक्वल टू ऑड तो ये आउट है. तो आप 5 टू द पावर 0 ले सकते हैं. आप ऑड फैक्टर्स निकालें 5 का पावर 1 ले सकते हैं क्योंकि ये खुद ऑड है. 5 का पावर 2 ले सकते हैं क्योंकि ये खुद ऑड है. चलिए आपका 5 वाला एंटिटी खत्म हो गया. आपके पास बचा क्या 2 वाला एंटिटी. तो सपोज किया पर 2 है तो 2 का कोई भी चीज नहीं लेंगे एक्सेप्ट 1. 2 टू द पावर 0 आप ले सकते हैं क्यों, क्योंकि 2 टू द पावर 0 कितना है 1 जो कि ऑड है. 2 टू द पावर 2 आप लेंगे तो वो इवन फैक्टर्स हो जाएंगे. इसलिए जब भी मल्टीप्लाई होगा तो इवन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन फैक्टर्स हो जाएंगे. इसलिए दो क्वांटिटी बस आपको सिर्फ 2 टू द पावर 0 लेने हैं और कुछ नहीं लेना. क्यों, क्योंकि वो इवन फैक्टर्स में आ जाएंगे आपके पास. आप निकाल रहे हैं ऑड फैक्टर्स तो ये आपको याद रखना है. 2 वाले को छोड़ो और जितने वाले हैं प्राइम उसको आप ले लीजिए. तो इसका तीनों लिया 2 का बस 0 लिया, 2 टू द पावर 0 लिया, एक ही फैक्टर्स होंगे. अब देखिए 3 वाले में आप 3 टू द पावर 0 लेंगे क्योंकि आप वो भी ऑड है. 3 का पावर 1 लेंगे ऑड है, 3 का पावर 2 लेंगे ऑड है, 3 का पावर 3 लेंगे ऑड है. तो देखिए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स इससे निकल जाएंगे. अगर आप वो ट्रिक याद रखते वो वाला तो आपका नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स निकलेंगे, ऐसे नहीं निकल पाएंगे. इसीलिए इसे भी जानना जरूरी है. बहुत सारे लोग इसको ट्री वाले फैक्टर से भी बनाते हैं, ट्री डायग्राम से भी बनाते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाता है. आपको आपका अपना पेज ही नहीं बचेगा जो आप अपना सोच पाएंगे. बेहतर है इसी फॉर्मेट में आप एक्सप्रेस कीजिए, बहुत कम पेज में श्रिंक हो जाएंगे और आप आराम से क्वेश्चन लगा सकते हैं. देखिए 1 2 3 टोटल कितने आपके फैक्टर्स हैं यहाँ पे 3, 5 इंटीटी का टोटल फैक्टर 3, 2 इंटीटी का टोटल फैक्टर 1, 3 इंटीटी का टोटल फैक्टर 4. ओके तो देखिए 3 4 इतना तो टोटल इवन फैक्टर्स कितने हो जाएंगे इक्वल टू 12, क्योंकि सब एक साथ काम हो रहा है, सारे गुणा होके एक साथ मिलके इसको डिवाइड करेंगे फैक्टर्स. आपको मैं एक ट्रिक बता दिया हूँ, जब भी काम एक साथ होता है तो क्या होता है गुणा होता है, इसलिए मैंने गुणा कर दिया. तो देखिए कितना आसान है ऑड फैक्टर्स निकालना. तो आपका टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स इज इक्वल टू हाउ मच, टोटल फैक्टर तो आपका 60 है और टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हैं 12. अब देखिए इवन फैक्टर्स आपको निकालना है, इवन फैक्टर्स तो कितने आसान है, आप टोटल ऑड में से इवन को कटा दीजिए 48. देखिए आप इवन फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं लेकिन आप हमेशा ऑड फैक्टर निकालने की कोशिश कीजिए. ऑड में एक ट्रिक है जो बस दो को छोड़ के सबको कर लेना है, मगर आप इवन फैक्टर्स में जब जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं ये आपको बता ही नहीं रहा. तो आप ऑड फैक्टर्स निकालिए और उसको सबट्रैक्ट करके इवन फैक्टर्स निकाल दीजिए. अब देखिए तो आपका टोटल तो ओवरऑल आपके पास ये चीज आ गया. अब देखिए आपका क्वेश्चन था जो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर जो उसको डिवाइड करे वो कितने होंगे, परफेक्ट क्यूब ऐसे कितने होंगे जो उसको डिवाइड करे, वो कितने फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट क्यूब हो और इसको डिवाइड करे, इट मीन्स वो फैक्टर हो. तो अब उसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ. देखिए आपने ये तो कैलकुलेट कर लिया है कि टोटल फैक्टर्स इसके कितने हैं,
टोटल फैक्टर इज इक्वल टू 16, ऑड फैक्टर इज इक्वल टू ऑड फैक्टर इज इक्वल टू 12 और इवन फैक्टर इज इक्वल टू 48. तो आपको ये पता चल गया इवन फैक्टर आपके कितने हैं, 48 हैं. अब देखिए, अब आपको ऐसे फैक्टर निकालने जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो बस वही आपको ट्रिक नहीं है. अच्छा, इसका एक ऑड फैक्टर निकालने का एक तरीका देख लीजिए, ट्रिक. एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, अगर ऑड का ट्रिक अगर आपको देखना है तो देखिए ट्रिक. ऑड लेना है तो टू वाले एंटिटी को हमेशा छोड़ देना है, टू वाले एंटिटी को एक्सप्रेस नहीं करना. आपको 5 का पावर 2 है तो इसका 5 0 1 2 सब कुछ ले सकते हैं. इसका मतलब 2 प्लस ये वाले एंटिटी को लीजिए 2 प्लस 1 और 3 वाले एंटिटी को लीजिए 3 प्लस 1 और 2 वाले एंटिटी को लीजिए ही नहीं तो कितना हो गया 3 × 4 = 12. तो आप 1 सेकंड के अंदर इसका निकाल सकते हैं. तो अभी तो मैं इन जनरल बता रहा हूँ, जो कि कुछ ट्विस्टिंग क्वेश्चन आएंगे आपको बन जाएंगे. अगर आपको जनरल नहीं पता है तो ट्विस्टिंग क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे, तो बेहतर आप जनरलाइजेशन पहले समझिए, फिर इसका मैं 1 सेकंड में निकालने का तरीका बता दूंगा सारा का सारा. देखिए, आपके पास इसका है आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर विच इज फैक्टर विच इज क्या परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ये आपको यहाँ से निकालना है. तो ये कैसे निकालेंगे ये देखिए, परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है. 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, आपका 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है. तो देखिए, सबसे पहले 5 वाला एंटिटी को ढूंढिए वो कितने परफेक्ट स्क्वायर आपको देंगे. तो देखिए 5 का पावर 0 रखेंगे तो कितना 1 आएगा, जो कि खुद इटसेल्फ इज अ परफेक्ट स्क्वायर. बट 5 टू द पावर 1 नॉट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 5 आपका है नहीं तो 5 का पावर 1 नहीं लेंगे क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा. बट 5 का पावर 2 लेंगे क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा 25. सिमिलरली 2 का एंटिटी, 2 का पावर 0 लेंगे, 2 का पावर 1 नहीं लेंगे बिकॉज 2 का पावर 1 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. तो 2 का पावर आपका 0 कंसिडर, 2 का पावर 0 कंसिडर करेंगे, 2 का पावर 1 नहीं करेंगे, 2 का पावर 2 करेंगे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है. 2 का पावर 3 नहीं, 2 का पावर 4 कंसिडर करेंगे. सिमिलरली 3 वाले एंटिटी में क्या करेंगे, देखिए 3 का पावर 0 कंसिडर कर सकते हैं, 3 का पावर 2 कर सकते हैं, बट 3 का पावर 3 नहीं कर सकते, 3 का पावर 2 कर सकते हैं और 3 का पावर 3 नहीं करेंगे क्योंकि 3 का पावर 27 जो कि नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. तो आप इतने ही ये सब सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो एक साथ जब काम हो रहा है तो आपको गुना करने हैं. तो ये टोटल कितने हैं 2, ये टोटल कितने हैं 3, ये कितने हैं 2, तो आपके टोटल 12 ऐसे फैक्टर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और इसको डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो आप इतने निकाल सकते हैं. इसका मतलब नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर विच इज नंबर ऑफ फैक्टर विच इज परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 12. चलिए अब अगला क्वेश्चन निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर. देखिए ये आसान है, इसका एंटिटी सब परफेक्ट स्क्वायर वाली एंटिटी मैंने ले लिया और एक साथ हो जाए तो गुना करना है. तो आप इसको ट्रिक से 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, बस आपको वही आप सेलेक्ट करें जो आपको जरूरत है, ये सब लिखने की उतनी जरूरत नहीं है, आप 1 सेकंड में इसको आराम से निकाल सकते हैं. अब देखिए, अब हम क्यू वाला लेते हैं, नंबर ऑफ एंटिटी, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच इज अ परफेक्ट क्यू नॉट अ स्क्वायर. तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सेम प्रोसीजर है. देखिए क्यूब लेने के लिए 5 का पावर 0, ये क्या है परफेक्ट क्यूब है, 5 का पावर 0 1 जो कि परफेक्ट क्यूब है. ओके, अब देखिए 5 का पावर 2 नहीं लेंगे क्योंकि ये नहीं है, 5 का पावर 3 लेंगे. फिर सिमिलरली 2 का पावर 0 लेंगे, 2 का पावर 3 लेंगे, 2 का पावर 2 नहीं लेंगे क्योंकि परफेक्ट क्यूब बनेगा ही नहीं, 2 का पावर 3 लेंगे, 2 का पावर फिर 4 नहीं लेंगे क्योंकि वो परफेक्ट क्यूब बनेगा नहीं. सिमिलरली 3 में क्या, 3 का पावर 0 लेंगे, 3 का पावर 3 लेंगे. तो कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो परफेक्ट क्यूब होगा, तो 5 वाले एंटिटी में 5 का पावर 3, 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 इसमें एक्सप्रेस है ही नहीं, 5 का पावर 3 है ही नहीं, तो आप एक ही आपको लेना पड़ेगा. तो देखिए आपके पास ये इसमें टोटल 1 वाले 5 का वाला एंटिटी 1 है, 2 वाला एंटिटी कितने हैं 2 हैं और 3 वाला एंटिटी भी 2 हैं. तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच इज अ परफेक्ट क्यूब इज इक्वल टू 4. तो इसका हम नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर विच इज परफेक्ट क्यूब इज इक्वल टू कितने 4. तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत आराम से बना सकते हैं. और अगर आपको एक बार ब्रीफ में और देखना है तो एक बार मैं ट्रिक यूज करके आपको सारा का सारा चीजें बता देता हूँ कैसे आप बनाएंगे. जैसे आपके पास कोई है नंबर, आपको गिवन रहेगा, कोई भी नंबर गिवन रहेगा, आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन मैं एक से एक्सप्रेस आपको कर देता हूँ. तो इसको इन टर्म्स ऑफ प्राइम पे फॉर्मूला, ये 5 2 3 सारे के सारे प्राइम है,
प्राइम का पावर एक्सपोनेंट में लगी, जो आपका पावर है उसमें लगी 2, 4, 3। अब टोटल फैक्टर निकालना है, टोटल फैक्टर निकालना है, ये आपका एट ए ग्लांस है, आप इसी को बस याद रखें, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपका टोटल फैक्टर निकालना है, तो कुछ नहीं करना, जो आपका पावर है उसमें एक ऐड करके लिख देना है बस। तो कितने हो गए, 60 टोटल फैक्टर होंगे। अब देखिए आपको सेकंड में क्या निकालना है, ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर है तो 2 को मत लीजिए और सारे को ले लीजिए, 2 + 1, 3 + 1, तो टोटल हो गया 12। अब आपको इवन फैक्टर निकालना है, इवन फैक्टर, इवन फैक्टर निकालना है तो आप टोटल ऑड फैक्टर में से टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर घटा दीजिए, तो 60 - 12 = कितना, 48। अब फैक्टर व्हिच इज परफेक्ट स्क्वायर, वो कितने फैक्टर्स होंगे, तो उसको निकालने के लिए क्या करना है, इसको निकालने के लिए इससे क्या, ये 2 देगा, 5 का पावर 0, 5 का पावर 2, तो इधर से आपका 2 आएगा, ये कितना देगा, ये आपको कितने नंबर देंगे, 2 का पावर 0 देंगे, 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, तो ये 3 देगा आपको, इसको निकालना है 3 का पावर 0, 3 का पावर 2, ये आपका 2 ही देगा, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर 12। अब देखिए फैक्टर व्हिच इज परफेक्ट क्यूब, ये निकालना है, तो देखिए इधर से आपका सिर्फ 5 का पावर 0 आएगा, तो इधर से आपका 1 आया, इधर से 2 का पावर 0 और 2 का पावर 3 दोनों आएगा, इधर से 2 आएगा, इधर 3 का पावर 0 और 3 का पावर 3 दोनों आएगा, तो आप इधर से भी 2 आएगा, तो ओवरऑल ये 4 है। अगर आपको कोई इसमें परेशानी लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।